पिछले 5 साल में सिमरिया क्षेत्र में विकास की गतिविधियां हो गई ठप। अभय मिश्रा, जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने कहा, भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का एक ओर जहां जनसंपर्क अभियान ताबड़तोड़ गति से जारी है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र का प्रबुद्ध वर्ग और भारतीय जनता पार्टी तथा बसपा से जुड़े कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुरवा बड़ी अटरिया आदिवासी बस्ती खारा कुम्हरा समेत विभिन्न गाँव का जनसंपर्क किया। इस दौरान वे व्यक्तिगत तौर पर आम जनता से मिले तथा कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। यहाँ की स्थितियों को देखकर मन द्रवित हो जाता है। आदिवासी बस्ती के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से यदि मैं विधायक बना तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का प्रयास तेजी से करूंगा। विभिन्न गांवों की छोटी जनसभाओं में लोगों द्वारा भ्रष्टाचार एवं आतंक पैदा किए जाने की बात कही गई। इस पर श्री मिश्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी से किसी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आप मतदाताओं को बरगलाने के लिए बड़े नेताओं से भाषण दिलवाते हैं, लेकिन सच्चाई आप सबको पता हो चुकी है कि सही स्थिति क्या है। महंगाई विकराल रूप से बढ़ चुकी है। प्याज के अलावा सभी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल कहां पहुंच चुका है। इसके लिए वही लोग दोषी हैं जो यहां पर आकर कांग्रेस को कोसते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। इन्होंने आम नागरिक से कहा है कि अभी मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाएगा, इसलिए आप सबको सतर्क रहना है और कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन देना है। जनसंपर्क के दौरान खास बात ये रही कि जहां भी प्रत्याशी अभय मिश्रा पहुंच रहे थे वहां लोगों का हुजूम लग रहा था। लोग अपनी पीड़ा और समस्या बताने के लिए आतुर हो रहे थे। श्री मिश्रा ने सभी को आश्वस्त किया है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्षेत्र के विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर संजय द्विवेदी, प्रियम कुशवाहा, उदय भान, सोहगोरा, नरेश पाल आदि ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। द खबरदार न्यूज से उमेश सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।